जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जीएसटी कोर्स को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। हमने चैप्टर 4 चार्ज ऑफ जीएसटी पे थे, जिसमें हमने सेक्शन 9 पढ़ा। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्या कहता था भैया, मैक्सिमम जीएसटी का रेट जो है वो 20% हो सकता है। सीजीएसटी का रेट, हम सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन पढ़ रहे हैं, और एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को जीएसटी से बाहर किया हुआ है। 9 सबसेक्शन 2 क्या कहता था भैया, पेट्रोल डीजल को बाहर कर दिया। 9(3) आरसीएम रिवर्स चार्ज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। 9(4) क्या था दोस्तों, अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर आप कोई परचेज कर रहे हो तो कोई डेट फ्यूचर में हम नोटिफाई करेंगे जब से रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा। 9(5) में था ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर आप कुछ सर्विसेज दे रहे हो तो इन सर्विसेज के ऊपर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, वो नोटिफिकेशन के तहत बताया जाएगा। अब हम 9(3) में पढ़ रहे थे, 9(3) में भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बताया जाएगा किन किन सर्विसेज के ऊपर एप्लीकेबल है, जिसमें से पहली सर्विस थी जो हमने कल कवर की लास्ट क्लास में, वो थी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की। इसको जब हमने एग्जेम्पशंस के साथ पढ़ा, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट सर्विस को एग्जेम्पशन का नोटिफिकेशन नंबर था 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट, ये याद रखना बच्चों। और रिवर्स चार्ज का नोटिफिकेशन है 13/2017 सेंट्रल टैक्स रेट। बाकी इसमें अमेंडमेंट 70 बार आई है, अमेंडमेंट अपने को याद नहीं रखनी, एज अमेंडेड अप टू डेट आप लिख सकते हो पेपर के अंदर। 12/2017 क्या कहता है कि अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड की सर्विस दे रहे हो तो जीएसटी इज एग्जेम्प्ट है। सर फिर रिवर्स चार्ज की बात क्या हुई, अरे बच्चों याद तो करो, अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के थ्रू गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो जीएसटी एप्लीकेबल है। मतलब अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ले रहे हो एक छोटे से ट्रांसपोर्टर से जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी नहीं है, जो बिल्टी इशू नहीं करता, तो जीएसटी ही एप्लीकेबल नहीं है, जीएसटी इज एग्जेम्प्ट। एक्सेप्ट अगर आप जीटीए की सर्विसेज ले रहे हो, मतलब ट्रांसपोर्ट एजेंसी से सर्विस ले रहे हो जो बिल्टी काट रहा है, तब जीएसटी एप्लीकेबल है। और कुरियर सर्विस अगर आप किसी से ले रहे हो तो जीएसटी एप्लीकेबल है। अब उसके अंदर भी रिवर्स चार्ज तो एप्लीकेबल कर दिया हमने, कब कब रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है। और अगर आप रिवर्स चार्ज सेक्शन 9(3) में फॉल कर गए, आपने अपनी बिजनेस की बुक्स में कोई भी खर्चा क्लेम किया 9 सबसेक्शन 3 वाला, जो जो भी नोटिफिकेशन के तहत नोटिफाई होंगे, तो आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है सेक्शन 24 के अंदर। अच्छा जी, अगर आप फैक्ट्री हो, सोसाइटी हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, सीजीएसटी या एसजीएसटी एक्ट या आईजीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड हो, बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे जीएसटी नंबर हो या ना हो, और एनी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, और आपने गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से सर्विस ली है जो 12% जीएसटी नहीं लगा रहा, अगर वो फॉरवर्ड चार्ज में चला गया और 12% जीएसटी लगा रहा है, तो कोई आरसीएम नहीं है, ठीक है जी। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड की अगर आप सर्विस ले रहे हो तो आपने ये सर्विस ली, ये आपका सप्लायर है जो 12% जीएसटी नहीं लगाता। दो तरीके के ट्रांसपोर्टर है अपने पास, एक जो कोई जीएसटी नहीं लगाता और एक जो 12% जीएसटी लगाता है। जो कोई जीएसटी नहीं लगाता, जो कोई जीएसटी नहीं लगाता उस पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, जो 12% जीएसटी लगा रहा है उस पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं है, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, ठीक है बच्चों। एक हमने एग्जेम्पशन और पढ़ी थी, अगर आप एक ट्रांसपोर्टर किसी दूसरे ट्रांसपोर्टर को सर्विस दे रहा है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड की, चाहे वो 12% वाले ही जीएसटी क्लॉज में क्यों ना फॉल करता हो, तब वो भी एग्जम्प्ट है। नो फॉरवर्ड चार्ज, नो आरसीएम, नो एफसीएम फॉरवर्ड चार्ज, नो आरसीएम रिवर्स चार्ज। ये तो हो गया अपना पिछली क्लास का बच्चों, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वगैरह के लिए कोई भी ट्रांसपोर्ट अगर सर्विस दी जा रही है, चाहे वो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के द्वारा दी जा रही है, तब भी कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। चलिए जी, एक इन्होंने ये और बोला था कि अगर कोई गवर्नमेंट एजेंसीज हैं तो उस पे भी रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं है। चलिए जी, ये हमने एक चार्ट किया था, इस चार्ट को भी एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। जीटीए समरी, अगर जीटीए 12% जीएसटी लगा रहा है विद फुल आईटीसी ऑफ जीटीए, वो पूरा इनपुट ले रहा है, तो जीएसटी इज पेबल बाय जीटीए, कोई लड़ाई झगड़ा है ही नहीं, रिवर्स चार्ज की कोई बात ही मत करो हमसे। लेकिन अगर जीटीए कहता है भैया मैं तो रिवर्स चार्ज में फॉल करूंगा, ठीक है, अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दी जा रही है तो रजिस्टर्ड पर्सन रिवर्स चार्ज में जीएसटी जमा कराएगा, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दी जा रही है, ठीक है, रिवर्स चार्ज इज एप्लीकेबल। नोटिफाइड पर्सन, जिन बंदों को गवर्नमेंट नोटिफाई कर रही है, ये कौन कौन है,
पार्टनरशिप फर्म बॉडी कॉर्पोरेट, आपने पढ़ा होगा सोसाइटीज बॉडी कॉर्पोरेट वगैरह के पास चाहे जीएसटी नंबर हो या ना हो, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन उनको सेक्शन 24 में लेना पड़ेगा। अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को कोई सर्विस दे रहे हो तो ये भी एग्जेम्प्ट है वाया एंट्री नंबर 21A। ठीक है, यानी कि आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हो और आपने अपने घर के मूवमेंट के लिए ट्रांसपोर्ट की सर्विस ली है, आप उसको बिजनेस में खर्चा क्लेम नहीं कर रहे हो, दैट इज योर पर्सनल एक्सपेंस, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है और मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन भी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है जी, आइए जी अब हम आगे बढ़ते हैं। नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 के अंदर सेकंड पॉइंट जो उन्होंने लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है लीगल सर्विसेज। लीगल सर्विसेज के ऊपर भी वो कहते हैं रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है। दोस्तों पहले लीगल सर्विसेज के ऊपर एग्जेम्पशंस अपने लोग पहले कवर करेंगे कि लीगल सर्विस के ऊपर गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशंस क्या दी हुई है, और जीएसटी पहले एप्लीकेबिलिटी चेक करो उसके बाद रिवर्स चार्ज की एप्लीकेबिलिटी चेक करो। भाई पहले पता तो चले इस ट्रांजेक्शन पर जीएसटी है भी के नहीं है, उसके बाद ही तो रिवर्स चार्ज की एप्लीकेबिलिटी चेक करोगे ना। आइए अब हम पहले इसको समझते हैं। देखिए दो तीन तरीके के एडवोकेट होते हैं। हैं सर, एडवोकेट कौन से दो तीन तरीके के होते हैं? एक ही तरीके के होते हैं, देखो मैं बता रहा हूं आपको। एक होते हैं जी इंडिविजुअल एडवोकेट, एक होती है जिसमें दो तीन तरीके के एडवोकेट होते हैं पार्टनरशिप एडवोकेट, मतलब दो तीन पर्सन मिलकर अगर एक फर्म बनाए दैट इज पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट। एक होते हैं जी सीनियर एडवोकेट। पहली बात, एडवोकेट वो होते हैं जो कहीं के भी, एक रोल होता है एक एडवोकेट्स का जो हर स्टेट में, सिटी में या हर सेंटर पे या स्टेट में कहीं पे भी हो सकता है, वो रोल बनता है एडवोकेट्स का जिसके अंदर उनका नाम लिखा जाता है। अगर आपका उसमें नाम है दैट मीन्स यू आर एन एडवोकेट। सिर्फ LLB करने से आप एक एडवोकेट नहीं बनते हो, आपको एक रोल में अपना नाम को रजिस्टर कराना होता है। अब उसके बाद आप इंडिविजुअली प्रैक्टिस कर रहे हो दैट मींस यू आर एन इंडिविजुअल एडवोकेट। आप दो तीन बंदे मिलके काम कर रहे हो तो यू हैव अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स। आप सीनियर एडवोकेट बन गए हो। अब ये सीनियर एडवोकेट कौन है सर? सर सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आते हैं दिशा निर्देश कि भैया ये एडवोकेट बहुत सीनियर हो चुके हैं, इनको एक सीनियर एडवोकेट का अब हमें दर्जा। ठीक है जी, तो सीनियर एडवोकेट्स को गवर्नमेंट ने अलग से हाईलाइट किया हुआ है कि भैया कुछ एडवोकेट्स जो सीनियर एडवोकेट्स हैं हम उनको अलग लेवल पे रैंकिंग देना चाहते हैं, अदर एडवोकेट से उनको अलग करना चाहते हैं। इन दोनों का टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सेम है, इसके लिए टैक्सेशन थोड़ा डिफरेंट है। सर इतनी डिटेल में क्यों कराते हो सर आप? बेटा मजा तभी है, डिटेल में करोगे पेपर में कंफ्यूज नहीं होगे, आज मेहनत ज्यादा कर लोगे पेपर में कंफ्यूजन नहीं होगी। अच्छा सर चलो फिर करा दो। हाँ तो अब अपने को पढ़ना है कि एग्जेम्पशंस है एडवोकेट सर्विस के ऊपर, किन किन एडवोकेट सर्विसेज अगर आप ले रहे हो तो जीएसटी एग्जेम्प्ट है। आइए जी अब हम पढ़ते हैं एग्जेम्पशंस। ये हम चैप्टर 6 में आ गए हैं बच्चों, 6.51 पेज पे। ठीक है जी, एंट्री नंबर 45, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में बाद में करूंगा, अभी हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, मैंने आपको क्या बोला था, इंडिविजुअल एडवोकेट और पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स का ऑलमोस्ट हम सेम ट्रीटमेंट करेंगे। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ए पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स और एन इंडिविजुअल एज एन एडवोकेट। ठीक है जी, हम उन दोनों की बात कर रहे हैं जब सर्विस प्रोवाइडर या तो एक पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट हो या इंडिविजुअल एडवोकेट हो, अदर देन ए सीनियर एडवोकेट। भैया सीनियर एडवोकेट को भूल जाओ, अभी हम सीनियर एडवोकेट की बात बाद में करेंगे। बाय वे ऑफ लीगल सर्विसेज टू, उन्होंने लीगल सर्विस दी किसको? एक और सेम तरीके की फर्म को, एक एडवोकेट या पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स को, प्रोवाइडिंग लीगल सर्विसेज। लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली एक इंडिविजुअल हूं, मैंने एक सर्विस दी पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स को। इंडिविजुअल हूं, मैंने सर्विस दी एक इंडिविजुअल एडवोकेट को, जीएसटी इज एग्जेम्प्ट। मैं हूं एक पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स, मैंने सर्विस दी पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट को या इंडिविजुअल एडवोकेट को, जीएसटी इज एग्जेम्प्ट। ठीक है जी, यही है इसका मतलब। ठीक है, बाय वे ऑफ लीगल सर्विसेज टू एनी पर्सन अदर देन ए बिजनेस एंटिटी। अगर बिजनेस एंटिटी के अलावा किसी और बंदे को सर्विस दी जा रही है दैट इज जीएसटी इज एग्जेम्प्ट। सर मेरा चल रहा है बीवी के साथ कलेश, हम दोनों पहुंच गए कोर्ट, एडवोकेट बोला भाई जीएसटी। मैंने कहा भाई सुन मेरी बात, ये मेरा पर्सनल मैटर है, एनी पर्सन अदर देन ए बिजनेस एंटिटी, मैं कोई बिजनेस के लियू में कोर्ट केस नहीं कर रहा, ये मेरा पर्सनल मैटर है, जीएसटी इज एग्जेम्प्ट।
सर लड़ाई होती है तो कोर्ट भी पहुंच जाते हैं क्या? पता नहीं बच्चों, लड़ाई तो बहुत होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक बात करते हैं बिजनेस एंटिटी की। सर एक बात बताओ, एक छोटी सी बिजनेस एंटिटी है जिसका टर्नओवर ही बिचारी का 15 लाख रुपए है। आप क्या चाहते हो, सेक्शन 24 के मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन में मैं उसका भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवा दूं? बेचारा छोटा सा बच्चा है, धंधा करना अभी शुरू ही किया है, कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया बिजनेस में, चेक बाउंसिंग का केस था, एडवोकेट को खड़ा किया, पहले तो उस बेचारे का टर्नओवर नहीं, उसके बाद उस बेचारे ने चेक दिया एक कस्टमर ने, वो भी बाउंस हो गया। वो पहुंचा कोर्ट में कि भैया लो मेरा कोर्ट केस प्रेजेंट करो, एडवोकेट बोला बेटा रिवर्स चार्ज में जीएसटी दे। तो नहीं होना चाहिए ना, गवर्नमेंट ने इसको एग्जेम्पशन दी। ए बिजनेस एंटिटी विद एन एग्रीगेट टर्नओवर अप टू सच अमाउंट इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एज मेक्स इट एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अंडर द सीजीएसटी एक्ट। मतलब अगर आपका टर्नओवर 20 लाख या 40 लाख से कम है, गुड्स एंड सर्विस का 20 लाख या 40 लाख से कम है, तो आप एडवोकेट सर्विस ले भी रहे हो तो भी जीएसटी नहीं लगेगा। अभी रिवर्स चार्ज की बात ही नहीं कर रहे आप, अभी नॉर्मल चार्ज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एग्जम्पशन की बात कर रहे हैं, किस एडवोकेट की सर्विस पे जीएसटी लगता है? चलिए जी, गवर्नमेंट ने कहा भैया हम अगर लीगल सर्विस लेना सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट तो भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा, दैट इज एग्जेम्प्ट। ठीक है, तो यानी कि अभी तक हमने पढ़ा किस किस ने सर्विस दी है, पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट ने और इंडिविजुअल ने एडवोकेट ने सर्विस दी है। एक बात बताओ बच्चों, यहां पे मेरे को एक पॉइंट मिस हो रहा है, बड़ी जोर से वो पॉइंट आ रहा है कि एक पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट और इंडिविजुअल एज एन एडवोकेट ने अगर सर्विस दी लीगल सर्विस किसी सीनियर एडवोकेट को, क्या वो एग्जेम्प्ट है? दोबारा सर, दोबारा, एक पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट ने या इंडिविजुअल एडवोकेट ने सर्विस दी एक सीनियर एडवोकेट को तो क्या वो एग्जेम्प्ट है? आंसर इज नो। पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट ने अगर सीनियर एडवोकेट को सर्विस दी, जीएसटी इज एप्लीकेबल। अच्छा हाँ जी, अब आ जाते हैं जी, ए सीनियर एडवोकेट बाय वे ऑफ लीगल सर्विसेज टू, ठीक है जी, एनी पर्सन अदर देन ए बिजनेस एंटिटी। अरे भैया सीनियर एडवोकेट को सर्विस दे रहा है तो जीएसटी इज एप्लीकेबल, उसको एग्जेम्प्ट किया ही नहीं। यानी कि अगर सर्विस रिसीवर या सर्विस प्रोवाइडर किसी भी एक जगह सीनियर एडवोकेट है और दूसरी तरफ कोई भी एडवोकेट है, वो एडवोकेट उस सीनियर एडवोकेट से या तो सर्विस ले रहा है या उसको सर्विस दे रहा है, जीएसटी इज एप्लीकेबल। वन साइड अगर सीनियर एडवोकेट है और दूसरी साइड भी कोई भी एडवोकेट है, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप या सीनियर एडवोकेट, जीएसटी इज एप्लीकेबल एंड फॉरवर्ड चार्ज इज एप्लीकेबल। ठीक है जी, अच्छा जी, सीनियर एडवोकेट बाय वे ऑफ लीगल सर्विस टू ए बिजनेस एंटिटी विद एन एग्रीगेट टर्नओवर, ये तो सही हो गया जी। रजिस्ट्रेशन से कम अगर आपका है, 20 लाख 40 लाख से कम अगर आपकी रिसीट्स है और आप एक सीनियर एडवोकेट से सर्विस ले रहे हो तब भी जीएसटी इज एग्जेम्प्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट अगर सीनियर एडवोकेट से सर्विस ले रही है तो जीएसटी इज एग्जेम्प्ट। ठीक है जी, अब आप समझ गए हो इसका नेट कंक्लूजन क्या निकला। लीगल सर्विसेज, अगर आपका टर्नओवर बिजनेस एंटिटी होने के बावजूद भी 20 लाख 40 लाख से कम है तो रिवर्स चार्ज फॉरवर्ड चार्ज कोई भी एप्लीकेबल नहीं है, फॉरगेट अबाउट फॉरवर्ड चार्ज रिवर्स चार्ज, जीएसटी इज एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर सीनियर एडवोकेट एक साइड भी आ गया और सामने बिजनेस एंटिटी नहीं है, कोई एडवोकेट है, तो फॉरवर्ड चार्ज इज एप्लीकेबल। चलिए जी, लीगल सर्विसेज मींस एनी सर्विस, लीगल सर्विस की डेफिनेशन क्या है, मींस एनी सर्विस प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू एडवाइस कंसल्टेंसी और असिस्टेंस इन एनी ब्रांच ऑफ लॉ इन एनी मैनर एंड इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज बिफोर एनी कोर्ट ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी। दोस्तों इस पे एक सर्कुलर आया, एक बात बताओ, मैं हूं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं अपने सारे इनवॉइसिस के ऊपर जीएसटी लगाता हूँ, एक एडवोकेट आया जो मेरी तरह टैक्सेशन सर्विसेज दे रहा है, जीएसटी की रिटर्न वगैरह भर रहा है, भरते हैं बहुत सारे एडवोकेट्स, ऐसा नहीं है क्या? रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज दे रहा है बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ और ब्रांच ऑफ लॉ? आंसर इज नो। तो क्या जीएसटी उसको लगाना है अंडर फॉरवर्ड चार्ज रिवर्स चार्ज? क्या समझ में आएगा ये उसका क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल लास्ट में दूंगा। ठीक है, अभी आप ये याद रखिए, इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज बिफोर एनी कोर्ट ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हम बाद में करते हैं। अभी सीनियर एडवोकेट कौन होता है? ए सीनियर एडवोकेट में विद हिज कंसेंट, उसकी कंसेंट लेंगे भैया, बी डेजिग्नेटेड एज सीनियर एडवोकेट इफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन
दैट बाय वर्चू ऑफ हिज अबिलिटी स्टैंडिंग एट द बार और स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस इन लॉ ही इज डिजर्विंग ऑफ सच अ डिस्टिंक्शन, उसको ऐसी डिस्टिंक्शन मिलनी चाहिए. सीनियर एडवोकेट शैल इन द मैटर ऑफ देयर प्रैक्टिस बी सब्जेक्ट टू सच रिस्ट्रिक्शंस एज द बार काउंसिल ऑफ इंडिया इन द इंटरेस्ट ऑफ द लीगल प्रोफेशन में प्रिस्क्राइब. ये अपना हो गया दोस्तों एग्जेम्पशंस का पार्ट कंप्लीट. अब हम आते हैं वापस से अपने पॉइंट पे प्रीवियस. अब देखते हैं जी एग्जेम्पशन कहां पे है. एग्जेम्पशंस कह रहा हूं, रिवर्स चार्ज कहां पे है. रिवर्स चार्ज कहां पे है, नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 के तहत, जो नोटिफिकेशन के तहत बताया गया है कि किस किस पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है. सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन इंडिविजुअल एडवोकेट, ठीक है, इंक्लूडिंग ए सीनियर एडवोकेट और ए फर्म ऑफ एडवोकेट, यानी कि तीनों को कवर कर दिया भैया, इंडिविजुअल को भी ले लिया, सीनियर को भी ले लिया, पार्टनरशिप फर्म को भी ले लिया. बाय वे ऑफ लीगल सर्विसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लीगल सर्विसेज उन्होंने आपको दी हैं. सप्लायर कौन हुआ जी, फिर इंडिविजुअल एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट, तीनों ही हो गए. सर्विस रिसिपियंट कौन है, एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी. अब एक पॉइंट देखो, रिसिपियंट के अंदर इन्होंने बिजनेस एंटिटी लिखा, फर्स्ट पॉइंट. क्या इन्होंने रिसिपियंट कोई एडवोकेट लिखा, आंसर इज नो. यानी कि अगर सीनियर एडवोकेट ने कोई सर्विस ली फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट तो रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा, फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल होगा, क्योंकि एग्जेम्पशन नहीं है उस पॉइंट पे. ठीक है बच्चों, रिसिपियंट कौन हुआ, एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी. वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से सर्विस ले रहे हो अगर, बिजनेस एंटिटी भाई, यूएस की बिजनेस एंटिटी ने इंडिया के लॉयर से सर्विस ली, वो लॉयर तो बैठ गया मुंह फुला के, भाई रिवर्स चार्ज लगेगा, मैंने पढ़ा है. मैंने कहा भैया रुक जा, प्लीज एक बात नोट कर ले, बिजनेस एंटिटी टैक्सेबल टेरिटरी में होनी चाहिए, तेरी तो यूएसए में है भाई, फिर कैसे टैक्स लगाएगा रिवर्स चार्ज में, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा. ठीक है जी, आपको जीएसटी लगाना पड़ेगा, या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में अगर आप कंडीशन सेटिस्फाई कर दोगे तो जीएसटी इज एग्जम्प्ट. ठीक है जी, आइए अब आगे बढ़ते हैं. लीगल सर्विसेज मींस एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू एडवाइस, कंसल्टेंसी और असिस्टेंस इन ब्रांच ऑफ लॉ इन एनी मैनर एंड इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज बिफोर एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी. आएंगे आएंगे, क्वेश्चन मेरे को याद है अपना. चलिए जी, आरसीएम इन फॉलोइंग केसेस, लीगल सर्विसेज मस्ट बी सप्लाइड बाय एन इंडिविजुअल एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट्स. सर्विस इज सप्लाइड टू बिजनेस एंटिटी. सर ये बिजनेस एंटिटी बहुत लिखा हुआ है, बिजनेस एंटिटी की डेफिनेशन क्या है. सेक्शन 2 में देखा मैंने बच्चों, मुझे मिली नहीं बिजनेस एंटिटी की डेफिनेशन, मिली नहीं. ठंड रखो, ढूंढ दी कहीं पे, कहीं से निकाली मैंने बिजनेस एंटिटी डेफिनेशन, अभी वो बताते हैं. रिसिपियंट इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, भैया रिसिपियंट टैक्सेबल टेरिटरी में होना चाहिए. आओ पहले आपको बिजनेस एंटिटी की डेफिनेशन ही करा देते हैं. बिजनेस एंटिटी की डेफिनेशन मिली हमें एक्सप्लेनेशन में, एक्सप्लेनेशन सी, नोटिफिकेशन नंबर 13/2017, जो रिवर्स चार्ज की अपनी मेजर नोटिफिकेशन है. द बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी हु इज लिटिगेंट, एप्लीकेंट और पिटिशनर. भैया चाहे आप केस डिफेंड कर रहे हो, चाहे आप केस लड़ रहे हो, एज द केस में बी शैल बी ट्रीटेड एज द पर्सन हु रिसीव्स द लीगल सर्विसेज फॉर द पर्पज ऑफ दिस नोटिफिकेशन. मतलब आप लीगल केस के अंदर या तो हो लिटिगेंट, एप्लीकेंट या पिटिशनर, कुछ भी हो, इन एनी केस यू विल बी ट्रीटेड एज बिजनेस एंटिटी. ठीक है, चलिए जी, अब हम दोबारा यहीं पे आते हैं. बिजनेस एंटिटी की डेफिनेशन क्लियर हो गई, लेकिन सेक्शन 2 में बिजनेस एंटिटी की डेफिनेशन नहीं है. फॉरवर्ड चार्ज इन फॉलोइंग केसेस, फॉरवर्ड चार्ज कब लगेगा, इफ सर्विस प्रोवाइडर और रिसीवर इज सीनियर एडवोकेट. ठीक है जी, सीनियर एडवोकेट से गवर्नमेंट जीएसटी की रिकवरी चाहती है. एफसीएम विल अप्लाई एडवोकेट टू एडवोकेट, लेकिन दोनों साइड एडवोकेट होने चाहिए भैया. अगर बिजनेस एंटिटी होगी तो बिजनेस एंटिटी को रिवर्स चार्ज में जमा कराना है जीएसटी. सीनियर एडवोकेट एक साइड, बिजनेस एंटिटी एक साइड, तो रिवर्स चार्ज में बिजनेस एंटिटी को जीएसटी जमा कराना है. ठीक है जी, इफ रिसिपियंट इज लोकेटेड आउटसाइड टैक्सेबल टेरिटरी फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, लेकिन दोस्तों ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में अगर फॉल कर गया तो जीएसटी एग्जम्प्ट हो जाएगा. ठीक है जी, तो देखना पड़ेगा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की क्या क्या कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई हो सकती हैं. अब बिजनेस एंटिटी भी वो जिसका टर्नओवर 20 लाख 40 लाख से ऊपर हो,
यानी कि जिसके पास ऑलरेडी जीएसटी नंबर हो। ठीक है, एग्जम्पशन इन फॉलोइंग केसेस, इफ सर्विसेज आर सप्लाइड टू बिजनेस एंटिटी हैविंग टर्नओवर बिलो द थ्रेशोल्ड लिमिट इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, मतलब उससे पिछले साल में, तो जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज विल नॉट अप्लाई। ठीक है, जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज विल ऑल्सो नॉट अप्लाई। इफ सर्विसेज आर सप्लाइड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एंटिटी तो दिस इज एग्जेम्प्ट। ठीक है, ये हमने नोटिफिकेशन नंबर दोस्तों याद रखना है 12/2017 के अंदर आपकी सारी एग्जेम्पशंस हैं सेंट्रल टैक्स रेट में, और 13/2017 के अंदर आपकी रिवर्स चार्ज की सारी सर्विसेज है, सर्विसेज नॉट गुड्स, याद रखना। ठीक है बच्चों, आई गेस अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे, आर्बिट्रल सर्विसेस। आर्बिट्रल सर्विसेस, आर्बिट्रल सर्विसेस एडवोकेट सर्विस ही होती है जिसमें एक छोटी कोर्ट होती है जहां पे आप अपनी प्रॉब्लम को लेके जाते हो और जजमेंट दी जाती है। तो सर्विसेज सप्लाइड बाय एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू ए बिजनेस एंटिटी, इस पे भी रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल कर दिया। ओ माय गॉड, सप्लायर कौन हुआ? एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल इज आवर आईटीएटी और सीस्टैट या आप जीएसटी ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये छोटा ट्रिब्यूनल कहा जाता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। ठीक है, रिसिपिएंट एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, कोई भी बिजनेस एंटिटी जो टैक्सेबल टेरिटरी में है उसको माना जाएगा रिसिपिएंट, और रिवर्स चार्ज में जीएसटी इसको जमा कराना है। ठीक है जी, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी की बात हम कर ही नहीं रहे। अब हम दोबारा वहां पे आते हैं, वहां पे अभी हमने एक एग्जम्पशन के पॉइंट में छोड़ा था आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल वाला पॉइंट। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू एनी पर्सन अदर देन ए बिजनेस एंटिटी, अगर बिजनेस के पर्पस के लिए वो नहीं लिया जाता आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विसेज तो उसपे जीएसटी इज एग्जेम्प्ट। या आपका टर्नओवर वही रजिस्ट्रेशन की लिमिट से कम है, ए बिजनेस एंटिटी विद एन एग्रीगेट टर्नओवर अप टू सच अमाउंट इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एज मेक्स इट एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अंडर द सीजीएसटी एक्ट। सेम है जी पॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर ली, सेम है जी पॉइंट। ठीक है जी, तीनों पॉइंट सेम है, एडवोकेट्स कभी लेंगे नहीं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विसेज, ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए इंडिविजुअल एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट्स की कोई बात ही नहीं हो रही। ठीक है जी, तो अब आपको समझ में आ गया दोस्तों, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। स्पॉन्सरशिप सर्विस, नेक्स्ट पॉइंट इज स्पॉन्सरशिप सर्विस। सबसे बड़ा बवाल पता है क्या है बच्चों? हमें पता ही नहीं है स्पॉन्सर कौन है, स्पॉन्सरी कौन है, स्पॉन्सर कर कौन रहा है, स्पॉन्सर की सर्विस प्रोवाइडर कौन है, स्पॉन्सरशिप का सर्विस रिसीवर कौन है। अच्छा चलो सर बताओ जरा कैसे। अच्छो रिलायंस जियो आया, रिलायंस जियो आया, रिलायंस बहुत बड़ा वर्ड है जी, छोटा करो सर इसको। चलो आओ जियो, आईपीएल, जियो का आया आईपीएल, आईपीएल की विकटे है ना, विकटे उस पर भी जियो लिखा हुआ है। ठीक है, ये लो जी क्रिकेट की विकेट बना देता हूँ सर, सीधी नहीं बनती आपकी विकेट। अच्छो चलो जी, ये विकेट बन गई जी आपकी, इस पे लिखा है जियो, JIO, जियो, जियो। जियो ने बोला भैया मैं आईपीएल को स्पॉन्सर कर रहा हूं, हु इज द सर्विस प्रोवाइडर एंड हु इज द सर्विस रिसीवर, हु इज द सर्विस प्रोवाइडर। सर मैं बताऊं, मैं बताऊं? हाँ बेटा बताओ सर, जियो इज द सर्विस प्रोवाइडर एंड आईपीएल इज द सर्विस रिसीवर। सर मैंने ठीक बोला ना सर? थोड़ा दिमाग लगाओ सर, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा ट्रिकी है ये चीज। सर जियो पैसा देगा बीसीसीआई को या बीसीसीआई पैसा देगा जियो को, कौन पैसा देगा? सर जियो का ब्रांड प्रमोट हो रहा है, पैसा जियो को देना पड़ेगा ना बीसीसीआई को, जियो ने पैसा दिया बीसीसीआई को। अब मैं दोबारा क्वेश्चन पूछता हूं, सर्विस प्रोवाइडर को पैसा मिलेगा या सर्विस प्रोवाइडर अपनी जेब में से पैसा निकाल के देगा? अरे हाँ सर, बीसीसीआई इज द प्रोवाइडर ऑफ स्पॉन्सरशिप सर्विस एंड जियो इज द सर्विस रिसीवर, समझे? सर
पेपर में यही नहीं समझ में आता प्रोवाइडर कौन है रिसीवर कौन है, इसीलिए पहले समझ लो बच्चों, पेपर की वेट मत करो, पहले समझो कि कौन प्रोवाइडर है कौन रिसीवर है। अपने को पेपर में पता कैसे याद रखना, पैसा कौन दे रहा है भैया और पैसा मिल किसको रहा है। ठीक है, आइए अब स्पॉन्सरशिप की। दोस्तों मेरे को ना डेफिनेशन कहीं नहीं मिली और मैं हो गया परेशान, मैंने ना सिर में खुजली करी लेकिन फिर भी नहीं मिली। फिर मैंने जाके सर्विस टैक्स एक्ट की डेफिनेशन ले आया हूँ आपके लिए। सेक्शन 65 99 99 A ऑफ सर्विस टैक्स एक्ट ने स्पॉन्सरशिप सर्विस को डिफाइन किया है। वो क्या कहता है जी, स्पॉन्सरशिप्स इंक्लूड्स नेमिंग एन इवेंट आफ्टर द स्पॉन्सर, DLF IPL, रिलायंस IPL, DLF स्टार सिनी अवार्ड्स, ठीक है, जिसमें शाहरुख खान वगैरह को अवार्ड्स मिलते हैं। डिस्प्लेइंग द स्पॉन्सर्स कंपनी लोगो और ट्रेडिंग नेम, वो याद है वो क्या नाम है, ये रिलायंस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की शर्ट पे किंगफिशर का ब्रांड लिखा हुआ आता था। डिस्प्लेइंग द स्पॉन्सरर्स कंपनीज लोगो और ट्रेडिंग नेम, समझ पा रहे हो, किंग्स इलेवन पंजाब के ऊपर किसी और का स्टिकर है, किसी और के ऊपर किसी और का स्टिकर है, कैप पे किसी और का स्टिकर है, ठीक है। डिस्प्लेइंग द कंपनीज लोगो, गिविंग द स्पॉन्सर एक्सक्लूसिव और प्रायोरिटी बुकिंग राइट्स, अगर आप किसी को प्रायोरिटी बुकिंग राइट्स दे रहे हो दैट इज इक्वल टू स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरिंग प्राइसेस और ट्रॉफिक्स, भैया आईपीएल जो जीतेगा उसको ट्रॉफी दी जाएगी, मान लीजिए जियो की तरफ से। जियो कहता है मेरे को पूरा इवेंट स्पॉन्सर नहीं कर रहा, मैं ट्रॉफी स्पॉन्सर कर रहा हूँ, ट्रॉफीज मेरे नाम से आएंगी, जियो ट्रॉफी नीचे लिखा हुआ होगा और विनिंग टीम को ट्रॉफी दी जाएगी। स्पॉन्सरिंग बट डज नॉट इंक्लूड एनी फाइनेंशियल और अदर सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ डोनेशंस, कोई डोनेशंस दी जा रही है दैट इज नॉट स्पॉन्सरशिप। और गिफ्ट्स गिवन बाय द डोनर सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द सर्विस प्रोवाइडर इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड एनीथिंग इन रिटर्न टू सच डोनर्स, ठीक है जी, ठीक है बच्चों, क्लियर। तो यानी कि ये सब स्पॉन्सरशिप का ही पार्ट है। चलिए जी अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें दोस्तों रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, कैसे, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। पहली बात तो स्पॉन्सरशिप सर्विस एनी बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को दी जानी चाहिए, इंडिविजुअल इज नॉट अंडर रिवर्स चार्ज। रिसीवर कौन है, सप्लायर कौन है, एनी पर्सन, सप्लायर कोई भी हो सकता है, बीसीसीआई का स्टेटस कुछ भी हो सकता है, वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकता है, पार्टनरशिप भी हो सकता है, लेकिन डीएलएफ पार्टनरशिप फर्म या रिलायंस जियो पार्टनरशिप फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट होनी मैंडेटरी है। अगर जियो भी प्रोप्राइटरशिप में धंधा कर रहा है तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा भैया, रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। रिसिपियंट कौन होगा, एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, अगर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है तो यहां से बाहर चले जाना भैया, रिवर्स चार्ज का कोई लेना देना नहीं है। हाँ सर अब समझ में आया, हाँ बच्चों अब समझ में आया। रिलायंस स्पॉन्सर द क्रिकेट मैचेस बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है जी, बीसीसीआई होस्ट ए इवेंट फॉर इंडिया श्रीलंका ओडीआई सीरीज एंड रिलायंस स्पॉन्सर्स द इवेंट, देयर आर होर्डिंग्स ऑफ रिलायंस एवरीवेयर, कौन है, सर्विस प्रोवाइडर, रिलायंस स्पॉन्सर द क्रिकेट मैचेस बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, बीसीसीआई विल बी सर्विस प्रोवाइडर एंड रिलायंस विल बी सर्विस रिसीवर, ठीक है दोस्तों। अच्छा जी अब एक एग्जम्पशन इस पे भी है, स्पॉन्सरशिप में भी एक एग्जम्पशन है। सर एग्जम्पशन साथ में क्यों कराते हो आप, बड़ा कंफ्यूजिंग सा हो जाता है बच्चों, याद नहीं रहेगा पेपर में नहीं तो, अगर मैंने ये ऐसे ही पढ़ाया ना तो ऐसे ही घोटा मारोगे, याद करोगे घोटा मारने की कोशिश करोगे समझ कभी नहीं आएगा। अब याद रखना कौन कौन सी स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज एग्जम्प्ट है। पहली बात तो सिर्फ स्पोर्टिंग इवेंट्स एग्जम्प्ट है, स्पोर्टिंग इवेंट्स, वो भी कब, ऑर्गेनाइज्ड बाय, किसने ऑर्गेनाइज किए हैं, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ने, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज ने और सेंट्रल सिविल सर्विस कल्चरल एंड स्पोर्ट्स बोर्ड ने, एज ए पार्ट ऑफ नेशनल गेम्स बाय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने और अंडर द पंचायत युवा क्रीडा एंड खेल अभियान स्कीम। अब ये मुझे याद करने का और कोई तरीका नहीं पता, इसका तो आपको घोटा ही मारना पड़ेगा। तो अगर इन्होंने कुछ स्पोर्टिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज करे, याद रखना स्पोर्टिंग इवेंट्स की बात हो रही है, और नोटिफिकेशन नंबर कौन सा इसका, 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट, ठीक है, रिवर्स चार्ज का 13/2017 सेंट्रल टैक्स रेट। एग्जेम्पशंस, ये एग्जेम्पशंस हैं, अगर इन इन ने स्पोर्टिंग इवेंट्स का कोई भी इवेंट रखा है ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल सिविल सर्विसेज,
इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ओलंपिक तो याद रखना बच्चों, ओलंपिक तो बहुत बड़ी चीज है, सारी कंट्रीज में होता है ओलंपिक, ठीक है, अंडर द पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान स्कीम, तो जीएसटी इज एग्जम्प्ट। आज हमने 13/2017 सेंट्रल टैक्स रेट को पढ़ा दोस्तों, रेड विथ सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ने बताया कि हम कुछ सर्विसेज नोटिफाई करेंगे जिन पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा, ठीक है, उसके साथ हमने एग्जेम्पशंस पढ़ी। आज हमने तीन पढ़ी, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, एडवोकेट्स, तीन तरीके के एडवोकेट पढ़े, देन वी हैव स्पॉन्सरशिप सर्विस। शेयर और लाइक करें, आप ऐसे चैनल के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। जय हिंद। लर्न समथिंग फ्रॉम एवरीवन यू मीट इन योर लाइफ, whether they are your juniors or seniors, because nobody knows everything, but everybody knows something. And education and hospitalization should never be commercialized. Jai Hind.